संत निरंकारी मिशन ने आज देश में 71 जगह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। दिल्ली में कैंप का उद्घाटन माता सुदीक्षा हरदेव सिंह जी ने किया। पूरे देश में आयोजित कैंपों में देश भर से हजारों लोगों ने रक्त दान किया। इस मिशन का नारा था, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। इस दिन को ये मिशन मानव एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन बाबा गुरबचन सिंह ने समाज की शांति के लिए बलिदान दिया था। दिल्ली में आज आयोजन बुराड़ी स्थित समागम ग्राउंड में किया गया। हजारों स्वयं सेवक रक्तदान के लिए इस मैदान में पहुँचे और यहाँ पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान किया। सुबह से ही रक्तदान करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। निरंकारी मिशन 1986 से रक्तदान शिविर लगाने की प्रक्रिया शुरू करें और अब 2019 में यह पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल चुकी है। आज ही के दिन विश्व के अलग अलग जगहों पर 70 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और हर साल लाखों की संख्या में डॉलर रक्तदान करते हैं जो कि जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है। रक्तदान महादान माना जाता है। इस तरह के धर्म से जुड़े कुंपों में रक्तदान करने वालों की संख्या भी अच्छी खासा होती है, जिससे समाज में आपातकाल में किसी भी गरीब को ब्लड मिलने में दिक्कत न हो। के उपलक्ष में हम सब अपनी श्रद्धांजलि रूप जो एक सेवा भाव के साथ यहाँ इतने ब्लड डोनेशन के लिए भी आए हैं और सत्संग के लिए भी आए हैं, भाव बस इतना ही कि जो एक मानवता की सेवा है वो किसी भी तरीके से की जाए कम ही होती है, क्योंकि सिर्फ आज की बात नहीं, सालों साल से यही है कि एक जो किसी का समय अगर कष्ट में है तो एक इंसान या तो एक मदद कह सकता है कि मदद की गई, और एक सेवा भाव, ये दोनों में अंतर होता है। अंतर ये है कि जो सेवा भाव होती है उसमें एक व्यक्ति अपने लिए कुछ एक भाव ऐसा नहीं रखता कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, जबकि जो मदद के रूप में अगर कोई करता है तो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ उसके पीछे छुपा है। तो संत निरंकारी मिशन में सालों साल से, जैसे अभी सुना, संत निरंकारी मंडल के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा ये जो आज रक्तदान शिविर का भी रूप इतना निखरा हुआ सब देख रहे हैं कि सब सेवा भाव से इधर आए हैं श्रद्धालु। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह भी उनका खून इस मानवता की सेवा में जहां लग सके, और वहीं साथ साथ बहुत ही सारे जो हॉस्पिटल्स भी हैं वो उन्होंने भी एसोसिएट करके साथ में, और हमारे मंडल के जो एग्जीक्यूटिव हैं CPAB हैं, सबका ये इकट्ठा सहयोग जो है उसके द्वारा ही ये रूप दिख रहा है जो आज आ रहा है। और अभी फैक्ट्स भी हमने सुने कि कैसे ओवर द ईयर्स ओवर 10 लाख यूनिट्स हैव बीन देयर एज सेवा। तो दातार से बस यही अरदास है कि ये जो भक्ति भाव है, ये जो मानवता की सेवा का भाव है, ये हर एक प्राणी के अंदर बढ़ता ही चला जाए, क्योंकि आज की नीड तो है ही। जैसे हम दुनिया में देख रहे हैं कि हालात ऐसे होते जा रहे हैं जहाँ पे एक कोई टॉलरेंस का भाव नहीं रहा, उस दुनिया में तो ये बहुत ही ज़रूरत है आज की कि हम अपने आप के बारे में इतने सेल्फ सेंटर्ड होने की बजाय हम एक लार्जर पिक्चर, एक ह्यूमैनिटी के बारे में सोचें। सत्संग जी, रानी का।